नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। ये तो जग जाहिर है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अल्पसंख्यकों के लिए किसी नरक से कम नहीं, लेकिन अब वो पत्रकारों के लिए भी नरक बनता जा रहा है। जी हाँ, केन्या में एक मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार की रहस्यमयी मौत के बाद अब एक और पत्रकार ने देश छोड़ दिया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार मोइन पीरजादा रविवार को देश छोड़कर यूनाइटेड किंगडम पहुंच गए। अप्रैल के अंत में जब से शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है, तब से कई पाकिस्तानी पत्रकारों ने सेना से जुड़ी एजेंसियों द्वारा डराने धमकाने की बात कही है। पेरिस के एक मीडिया वॉचडॉग के मुताबिक पाकिस्तान पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे घातक देशों में से एक है, जहां हर साल 3 से 4 पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। ये हत्याएं अक्सर भ्रष्टाचार या अवैध तस्करी से जुड़ी मामलों में होती हैं और इनमें अपराधी को पूरी तरह से दंडित भी नहीं किया जाता। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मीडिया के उत्पीड़न के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के आला कमान को आगाह किया है। कोई भी पत्रकार जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस द्वारा निर्धारित लक्ष्मण रेखा को लांघता है, वो सेना की निगरानी में आ जाता है। उन्हें या तो बिना किसी जुर्म के जेल में डाल दिया जाता है या अगवा कर लिया जाता है। आरएसएफ के अनुसार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई किसी भी आलोचना को चुप कराने के लिए हमेशा तैयार रहती है। पाकिस्तानी पत्रकार अरशद शरीफ की हालिया हत्या ने एक बार फिर से पाकिस्तान और विदेशों में पाकिस्तानी पत्रकारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हर गुजरते दिन के साथ अरशद शरीफ की हत्या का मामला और ज्यादा रहस्यमयी होता जा रहा है। अरशद शरीफ की हत्या से जुड़े नए तथ्य हर दिन सामने आ रहे हैं। डॉन अखबार ने पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे पर मौजूदा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि शरीफ जिस वाहन में यात्रा कर रहे थे उस पर कुल 9 गोलियां मारी है, जिसमें से 4 गोलियां बाईं ओर और 1 दाईं ओर का टायर फटा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के मुखिया इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी पत्रकार देश छोड़कर जा रहे हैं। अरशद शरीफ की मौत से पाकिस्तान में राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार अहमद ने अपनी साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में इन खबरों को पूरी तरह से निराधार और मनगढ़ंत करार दिया और यह भी कहा कि सच्चाई को सामने लाने के लिए पत्रकार की हत्या की जांच करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें केन्याई और पाकिस्तानी जांच समितियों की जांच रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार करना चाहिए और उसके बाद ही फिर आगे की कार्रवाई हम इस मामले में कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पाकिस्तान में पत्रकारों की स्थिति पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।